मनासा में अचानक हुई बारिश ने अन्नदाता की मेहनत पर पानी फेर दिया। मंडी में खुली पड़ी किसानों की फसल पानी से भीगी तो किसानों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन अपने खून पसीने की मेहनत से उगाए फसल को पानी में बहता देख किसान खून के आंसू रो रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस अन्नदाता की जिसकी मेहनत से तैयार फसल प्रशासन की लापरवाही से उसकी आंखों के सामने बह गई। मनासा धान मंडी में खरीद के लिए आई फसल खराब हो गई। क्षेत्र में आई तेज बारिश ने पूरी धान मंडी में अफरा तफरी मचा दी। खुले में पड़े किसानों की सरसों, चना तथा गेहूं, सोयाबीन व कई अन्य की फसलों को ढकने का काम शुरू हुआ। किसानों को जो भी सामान फसल ढकने के लिए मिला, किसानों ने फसल को ढकने का काम तेजी से किया, लेकिन आधा घंटा तेज हुई बरसात ने फसलों को पूरी तरह से भिगो दिया। किसानों द्वारा किया कोई भी जतन काम नहीं आया। अपनी खुली आंखों के सामने अपनी फसल बहती देखते रहे। मंडी में सरसों, चना तथा गेहूं की बंपर आवक के चलते शेडों के अलावा सड़क पर खुले आसमान के नीचे किसानों की फसल पड़ी थी तो सबसे ज्यादा बिकी। मंडी में जगह जगह लगे फसलों के ढेर, जिसमें सरसों तेज बरसात के कारण बह गई और किसान अपनी फसल को इकट्ठी करते देखे गए। जब मीडिया टीम पहुंची और सचिव को फोन लगाया तो बोले कि मैं बाहर हूं, किसानों की फसल भीगने पर किसान काफी परेशान हुए। क्या मामला है सर? ये यहाँ पे अभी 1:30 बजे का आने का था व्यापारियों की बोली लगाने का, तो बदल दे के व्यापारी आए नहीं यहाँ पे, तो मतलब अभी 2:30-3 बजने का आए, अभी तक नहीं आया। हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे और बारिश आ गई, तो 1:30 बजे का टाइम था, 1:30 से 2 बजे पानी आया है, तो उनको 1:30 बजे यहाँ आना था। तो ये मंडी प्रशासन की लापरवाही है। क्या क्या नुकसान हुआ है अभी? देखिए आपके सामने ये देख लीजिए, पानी भरा हुआ है। आप लोगों का माल आपने 3 सेट में क्यों नहीं डाला जी? 3 सेट में क्यों नहीं डाला आप लोगों ने माल? 3 सेट में व्यापारी वो माल है, थोड़ा कैमरा इधर कर लें आप तो नजर आ जाएगा। आप लोगों ने मंडी कमेटी को नहीं बोला? कोई कहाँ है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या इसके बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी मंडी को, मंडी समिति को आपने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका माल जो है बाहर पड़ा है और व्यापारी को शेड में पड़ा है? सभी को नजर आ रहा है सर। आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन दी उनको? बोला उनको क्या मामला हुआ अभी? पानी इसमें गीली होगी सर, सोयाबीन। और शेड में क्यों नहीं रखा आपने माल? शेड में क्या है, वो सुनते नहीं है। मंडी कमेटी जाके गया था, व्यापारी का माल पड़ा हुआ था, व्यापारी का माल पड़ा है शेड में। तो आपने शेड के लिए बोला था उनको? बोला था। तो फिर क्या कहा, वहाँ से क्या जवाब मिला? कुछ नहीं बोले ही नहीं। अभी नीलामी तो बोले, अभी नीलामी कितनी देर से? अभी नीलामी अभी जाके मंडी में जस्ट उन्होंने कहा 10 मिनट बाद आ रहे हैं, ऐसा बताया। कब गए थे आप? अभी जस्ट गए सर, एक बार पहले गए, अभी और 3-4 आदमी हो, 15 मिनट। 12 बजे बंद, गोली बंद कर दी उन्होंने। गोली तो 12 बजे बंद है, 12 बजे बाद तो आए नहीं। बारिश हो गई और बारिश रुकने के बाद भी नहीं आ रहे अभी तक, बारिश रुकने के बाद भी नहीं आ रहे। मनासा से मनीष जोलानिया की रिपोर्ट।